और इस वक्त की बड़ी खबर है अनंतनाग से, जहां पुलिस टीम पर आतंकियों ने फायरिंग की है। ये बड़ी खबर आई है, बिजबहरा में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर फायरिंग हुई है। आतंकियों की फायरिंग में एक जवान घायल है। आतंकियों को पकड़ने के लिए अब इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें, जिस तरह से बड़गाम और राजौरी में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए गए, और अब अनंतनाग से ये जानकारी मिली है पुलिस टीम पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी है। एक बार फिर से हमने आपको बताया था कैसे राजौरी में उरी पाटू दोहराने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद भी आतंकियों की नापाक जो साजिश है उसे वो अंजाम देने में लगे हैं। अनंतनाग से ये खबर है, पुलिस टीम पर जहां आतंकियों ने फायरिंग की, बिजबहरा में पुलिस सीआरपीएफ टीम पर फायरिंग हुई, आतंकियों की फायरिंग में एक जवान घायल हो गया और फिलहाल अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि आतंकियों के छिपे होने के इनपुट इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से दिए गए थे, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है इस फायरिंग में एक जवान घायल है। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर यह फायरिंग की गई और इसीलिए ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है इस पूरे इलाके में। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस टीम पर आतंकियों ने फायरिंग की, यानी एक बार फिर से पुलिस टीम को टारगेट करने की कोशिश की गई, जो आतंकियों की मॉडस ऑपरेंडी रही है पिछले कुछ सालों में। बिजबहरा में आप देखेंगे कि सीआरपीएफ की टीम पर जो फायरिंग हुई है उसमें एक जवान के घायल होने की खबर है, और अभी फिलहाल आतंकियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो वहां से भागने में सफल रहे और ये जानकारी मिल रही है कि वो इस इलाके में ही कहीं छुपे होंगे, ज्यादा दूर वो नहीं जा पाएंगे, और इसलिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।